नमस्कार दोस्तों, 3 सितंबर आज की तारीख है। आज का डेली 30 जो है बहुत सामान्य से टॉपिक पे है, जीके का टॉपिक आप इसको मान सकते हैं। और ये टॉपिक है आज का राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित। कुछ बातें हम यहाँ पर करेंगे। जीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, लेकिन ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, आरओईआरओ के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होता है, ये छोटे से छोटी परीक्षाओं में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न और करंट अफेयर के 10 प्रश्न हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ डेली का प्राप्त करना चाहते हैं, डेली का पीडीएफ के साथ में आप चाहते हैं कि टेस्ट भी इसको दे सकें और वीकली टेस्ट में प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो आप इसका 109 का सब्सक्रिप्शन IAS प्रेप अकेडमी ऐप के थ्रू ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसका पहला स्टेटमेंट है, और राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रेस है। भारत का राष्ट्रीय पशु जब आपसे पूछा जाता है तो शेर भी दिया जाता है, बाघ भी दिया जाता है, तो बाघ सही होता है। 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। बंगाल टाइगर जो होता है, टाइगर का मतलब हिंदी क्या होती है, बाघ होता है, बंगाल टाइगर, टाइगर में भी बंगाल टाइगर। और पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, पहले शेर हुआ करता था 1973 के पहले, और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रेस है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि पहले शेर हुआ करता था बाद में बाघ, तो ये बात सही होगी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वो बंगाल टाइगर ही है, बाघ ही है। अगला जो प्रश्न है, ये व्याख्या जो यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसी जब पीडीएफ आपको मिलता है तो उसमें लिखी हुई होती है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, अगर पूछा जाए, घोड़ा, सांड, हाथी, बारहसिंघा। कई बार लोग सोचते हैं कि भारत के जितने भी युद्ध हुए उनमें घोड़ों का बड़ा योगदान रहा है, और जो गाय का बच्चा है वो सांड है, तो उधर तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हाथी जो है, एलिफेंट, ये राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत में जो हाथी पाए जाते हैं वो एशियाई जो हाथी हैं उन्हीं की एक उप प्रजाति है भारतीय हाथी, तो वो पाए जाते हैं और उन्हीं को यहाँ का भारत का विरासत पशु घोषित किया गया है। और जो एशिया है इसको हाथियों के लिए जाना जाता है, एशिया में हाथी पाए जाते हैं। सत्य कथन की पहचान करें, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कई लोग इसको, जो बड़े प्रेमी लोग हैं वो हो सकता है मान लें कि गुलाब है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, याद रखना, कमल का फूल, उसी की सरकार भी इसी समय है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नीम का पेड़ है। कमल का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है निलंबियन न्यूसिफेरा। क्या होता है, निलंबियन न्यूसिफेरा, पहला यहाँ पर ये सही है, लेकिन जो राष्ट्रीय पेड़ दिया हुआ है, राष्ट्रीय वृक्ष दिया हुआ है, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, फाइकस बेंगालेंसिस होता है बरगद, तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका वानस्पतिक नाम भी याद करिए, निलंबियन न्यूसिफेरा होता है और बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस होता है। जो आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद आप टिक करेंगे, और अगर पुष्प आपसे पूछा जाए तो कमल, गुलाब का फूल नहीं। भारत के राष्ट्रीय फल आम के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। भारत का ये राष्ट्रीय फल है, साथ में ये पाकिस्तान, फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल माना जाता है, और दूसरा है कि बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय पेड़ के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, ऐसे बांग्लादेश में राष्ट्रीय पेड़ के रूप में आम के पेड़ को स्वीकार किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, भारत के साथ में पाकिस्तान में, फिलीपींस में, और इसके अलावा भारत के ये पाकिस्तान, फिलीपींस, यहाँ पर इसको राष्ट्रीय फल माना जाता है, और बांग्लादेश में इसको राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया जाता है। मैंगिफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, और पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही ये मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रजाति पूरे विश्व में अब पाई जाती है जगह जगह पे, लेकिन मुख्य पैदावार दशहरी आम भारत का, ये बहुत लखनऊ का खास करके दशहरी आम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, यूपी में जो ये पाया जाता है। पैदावार आपकी बिहार में भी हो जाएगी, यूपी में भी हो जाएगी, केरल में भी आपको आम मिल जाएगा, लेकिन यूपी का आम कुछ खास अपनी विशेषताओं के कारण जाना जाता है, ज़्यादा मात्रा में भी पैदा होता है। भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, है ना? मोर जो है पाओ क्रिस्टेटस इसको कहते हैं, पाओ क्रिस्टेटस, तो ये राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, आजादी के समय या संविधान लागू होने के समय नहीं, 1963 में, 26 जनवरी 1963 को इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय पक्षी। म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये भी आप ध्यान रखना।
म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मोर है। और मोर अगर आपसे पूछा जाए किस फैमिली का सदस्य है, तो ये फैसियनिडाई फैमिली है, उसका ये मेंबर है, उसका ये सदस्य है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है कहाँ कहाँ का, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये भारत का है और भारत के साथ में म्यांमार का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में इसको 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया था। और पाओ क्रिस्टिटस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, कई बार ये नाम भी आपको सुमेलित करने में दे दिया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर देने की आप कोशिश किया कीजिए और देखा करिए कितने प्रश्न आपको आते हैं, कितने प्रश्न आपके सही हैं। वीडियो की स्पीड कम लगे तो उसको बढ़ा लीजिए, ज्यादा तो उसको कम कर लीजिए, और थोड़ा बहुत नोट करते चलिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया है, पाओ क्रिस्टिटस। पाओ क्रिस्टिटस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये कई प्रश्न ऐसे बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने इसको रखा है। जीके टाइप की आज की ये क्लास बेसिकली हो गई है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पे चलिए बात कर लेते हैं। तीन रंगों का राष्ट्रीय ध्वज होता है, तीन रंग के अलग अलग महत्व होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंस है उनके, केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है इम्पोर्टेंस के हिसाब से, या यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केसरिया रंग दिया है शक्ति, सफेद रंग शांति, और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। तो सफेद रंग शांति, हरा रंग हरियाली और संपन्नता, और केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सभी सही सुमेलित हैं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ये प्रश्न फॉर्मेट तो गलत होता है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब सही सुमेलित है, तो इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं आप, तो ऐसा कोई है नहीं। लेकिन ऐसा पूछा जाता है, ऐसा फॉर्मेट, तो सभी सही सुमेलित ऐसा दे दिया जाता है। ऊपर पूछ रहे हैं सुमेलित नहीं है, और नीचे सभी सुमेलित दे देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में जो तीनों रंग हैं, ये अलग अलग महत्व के हैं, तो इनको ध्यान रखना। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में भी ये प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है, कि केसरिया रंग क्या है, शक्ति का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली और संपन्नता का प्रतीक है, ये तीन रंग। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लागू हुई, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये बहुत पहले तैयार कर लिया गया था, लेकिन जो ध्वज संहिता लागू करने की बात है, तो ये 26 जनवरी 2002 को लागू हुई थी, है ना। और एक अधिनियम, वैसे प्रतीक और नाम का अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 में आया था, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में आया था, लेकिन भारत ध्वज संहिता जब पूछी जाएगी तो 2002 में ये आई, तो उसके अंतर्गत 1950 और 1971 के जो अधिनियम है उनको, मतलब इसके अंतर्गत ही समाहित करके उन पर नियम बनाए गए कि कानून में प्रदान की गई एक सीमा को छोड़कर आम जनता जो है, निजी संगठन है जो है, शैक्षिक संस्थान है, ये राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक कानूनी हद है, वहां तक एक सीमा है, वहां तक प्रतिबंध है, बाकी मतलब आम जनता, निजी संगठन, शैक्षिक संस्थान, ये सब जो है इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सत्यकथन की बात यहाँ पूछी जा रही है कि ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र में 34 तीलियां हैं, और दूसरा है कि ध्वज के मध्य में स्थित पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब बताइए कि 34 तीलियां हैं या कितनी तीलियां हैं, ये बताइए 34 तीलियां हैं या कितनी तीलियां हैं। आपको पता होगा कि इसमें जो तीलियां हैं वो 34 नहीं, 24 तीलियां हैं। कितनी है, 24। तो पहला तो गलत हो गया, और लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सारनाथ कभी आप गए हैं बनारस, तो सारनाथ जाइए, वहां पे देखिए, तो सारनाथ में अशोक का जो सिंह स्तंभ है, उसी में जो चक्र बना है, उसी से इसका, इसकी अनुकृति, इसकी प्रतिकृति ली गई है। 2002 में ध्वज संहिता लागू हुई, 26 जनवरी 2002 को। इसमें 24 तीलियां हैं, ये ध्यान आपको रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है इसके बारे में, इसको यहाँ देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है इसका अनुपात 3:2 है। वहां पर वो व्याख्या गलत दी हुई है, 10 नंबर प्रश्न में 2:3 लिखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, ये अनुपात पूछा जाता है आपसे, है ना। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था, और यह अनुपात भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, और दूसरा है सामान्यतः चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को होता है,
पहला स्टेटमेंट सही है, 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था और चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को होता है सामान्यतः, कभी कभी 21 मार्च को जब ये लीप ईयर पड़ता है और 366 दिन होते हैं एक साल में तो ये 21 मार्च को पड़ जाता है और चैत्र सामान्य रूप से 3 दिनों का, लेकिन लीप वर्ष में ये 31 दिन का होता है, वैसे 30 दिनों का लेकिन फिर लीप ईयर जब होगा तो ये 31 दिन का हो जाता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबत पर आधारित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे है ना, श्रावण, भाद्रपद है ना, अश्विन, ऐसे कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, हिंदी महीनों के ऐसे नाम याद होने चाहिए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है, अगर इंडिविजुअली ये प्रश्न बनाया जाए तो ये शक संबत पर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शक संबत पर आधारित है, बहुत बार पूछा गया, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, जहां भी चर्चा होने लगेगी तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए कोई नेता जो जनगणमन अधिनायक जो है नहीं गा पाते हैं और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में अंतर नहीं समझते हैं तो उनकी कितनी बदनामी होती है, और बदनामी इसीलिए होती है कि उनको जो है अगर राष्ट्र के बारे में इतनी चिंता नहीं है कि वो राष्ट्रगीत याद कर सकें, है ना, तो वही बात है कि अब सर्व की बात है ये, तो अब ऐसे देश में हमने जन्म लिया है, घर जन्म लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचिए इसको, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में ये प्रश्न है ना, बताइए। ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया था और इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरविंदो द्वारा किया गया था, है ना, तो इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरविंदो ने किया था कि नहीं, और सत्र तो आपको याद होगा कि जो राष्ट्रीय गीत है ये पहली बार गाया गया था कांग्रेस के सत्र में 1896 में, और ये जो सत्र था ये कांग्रेस का सत्र 1896 का, ये आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था ये सत्र जरा बताइएगा, 1896 का सत्र, 1896 का कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस 1896 का सत्र ये कहाँ हुआ था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये कलकत्ता में हुआ था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है और कलकत्ता वाली बात भी आप याद रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है आनंद मठ, उससे लिया गया है, 1896 में कलकत्ता में यह गाया गया और अंग्रेजी प्रतिपादन इसका श्री अरविंदो के द्वारा किया गया है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है, राष्ट्रीय गीत तो अभी आपने देखा कि इसकी जो रचना है वो आनंद मठ से लिया गया है, तो आनंद मठ से इसकी रचना की गई है और ली गई, मतलब ये लिया गया है और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1896 का सत्र जिसमें गाया गया और इसके बारे में इतने फैक्ट। 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम किसका, किस पत्रिका में जनगण मन को प्रकाशित किया गया था, सबसे पहले जनगण मन को जो प्रकाशित किया गया था एक पत्रिका थी तत्वबोधनी, तत्वबोधनी पत्रिका महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर जो थे उन्होंने ये शुरू की थी 16 अगस्त 1843 को, बाद में काफी दिनों तक तो चलती रही, करीब 40 साल ये चलती रही और कोलकाता से ये निकलती थी बांग्ला भाषा में, तत्वबोधनी जो सभा थी उसी की ये पत्रिका हुआ करती थी, है ना। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सबसे पहले तत्वबोधनी पत्रिका में ही जनगण मन प्रकाशित किया गया था, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। तत्वबोधनी पत्रिका देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी आपको याद रखना है, है ना, तत्वबोधनी सभा की ही ये पत्रिका थी, अलग से कुछ नहीं था, तत्वबोधनी जो सभा है उसी की पत्रिका थी। अगला जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जो है भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, तो ये जो है जो अपनाया गया भारत का संविधान, ये भारत की संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, इतना ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगीत जरा बताइएगा भारत का कौन सा है, तो जनगण मन 24 जनवरी 1950 को ये सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और राष्ट्रगान को जब अपनाया गया इसके बारे में थोड़ी सी बातें और हैं, राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, पूरा गीत जो है वो 5 पद में विभाजित है और 52 सेकंड में इसको गाया जाता है, कुछ अवसरों पर इसका संक्षिप्त गान भी कर दिया जाता है,
प्रथम और अंतिम पंक्तियां बोलते हैं 20 सेकंड में ही हो रहा जाता है, तो 52 सेकंड में पूरा और 20 सेकंड में ये शॉर्ट वाला होता है। और संविधान सभा ने जनगणमन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये जो जनगणमन है इसके बारे में कई प्रश्न है, 52 सेकंड, 20 सेकंड, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा में मूलतः, और 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, ठीक है। और इसको जब गाते हैं तो सावधान मुद्रा में से खड़े हो जाते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं। हाल में फिल्में देखने आप जाते हैं सिनेमा हॉल में, तब भी आपको खड़े होना रहता है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है पूछ लिया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम याद रखना है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इन्फॉर्मेशन वही है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार गाया कब गया था, ये प्रश्न अलग है। पहली बार गाना अलग बात है और इसको अपनाना 24 जनवरी 1950 को ये अलग बात है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, गाया कब गया और अपनाया कब गया, ये दोनों अलग अलग बात हैं। तो अब ये गाया कब गया था, तो ये 1911 में ही गाया गया था, दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन इन सब चीजों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, और ये 27 दिसंबर 1911 की तिथि थी, और बिशन नारायण धर इस 26वें सत्र के अध्यक्ष थे जब ये गाया गया था। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब ये गाया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये बिशन नारायण धर थे। 26वां ये सत्र था 1911 में, है ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आप इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। भारत का राज्य चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, भारत का राज्य चिन्ह, और राज्य चिन्ह के निचले हिस्से पर उत्कीर्ण जो सूत्र है सत्यमेव जयते, उसको कठोपनिषद से लिया गया है, ये दो स्टेटमेंट है। 26 जनवरी 1950 को राज्य चिन्ह अपनाया गया, और ये जो है तो ये जो निचले इसकी बात की जा रही है सत्यमेव जयते की निचले हिस्से में, तो ये कठोपनिषद से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से, ठीक है। तो पहला सही है, 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था, और दूसरा यहाँ पर ये गलत है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, तो अब यहां पर झंडा समिति के अध्यक्ष कई बार आपसे पूछा गया है, ये जो प्रश्न है कई बार ये पूछा गया है, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। इसमें जो कंफ्यूजन ये है वो कई बार आपको मिल जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, और ये किताब की एक कंफ्यूजन है कि इसको किताब में ही गलत छाप दिया गया था, और इसका सही उत्तर आप याद कर लीजिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी आप मत टिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो कई जगह पे आपको ये मिल जाएगा जेबी कृपलानी, लेकिन वो गलत है, ठीक है। भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है, एक 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और शेष 6 सदस्य उसमें थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, और डीबी केलकर, हरितकर, और पट्टाब सीतारमैया। तो झंडा समिति में हाँ कहीं कहीं पट्टाब सीतारमैया का भी नाम मिलता है, और दूसरा एक आपको मिलेगा तदर्थ झंडा समिति, उसमें 23 जून 1947 को इसका गठन किया गया था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जेबी कृपलानी मत टिक कीजिएगा। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है ये अभी ये वर्ल्ड नहीं है, बर्ड है, बर्ड मतलब चिड़िया पक्षी, मैक्सिकन एक फोटोग्राफर है एलेजांद्रो प्रीतो, उन्होंने जीता है, 2021 के ये विजेता बने हैं, और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडर्नर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जो मेहनत की थी उसका प्रतिफल इनको मिला है, और उसी पर इन्होंने ये बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, एलेजांद्रो प्रीतो। आज करंट में बहुत सारे प्रश्न थे, कुछ बच गए हैं, उनको फिर मैं आगे
करूंगा। और इसके अंतर्गत इनको 5000 यूरो का नगद पुरस्कार दिया गया है। 73 देशों की 22000 प्रविष्टियों में से इनको चुना गया, 22000 लोगों में से चुने गए हैं। और छवि जो इनकी है वो ब्लॉक्ड, इनका जो इन्होंने फोटो ये ली थी तो उसको अवरुद्ध या ब्लॉक्ड शीर्षक उसको दिया है इन्होंने। ब्लॉकेड था ना, बंद था पूरा, तो ब्लॉकेड उसको शीर्षक दिया है। चंदन मित्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे थे चंदन मित्रा, अभी पूर्व राज्य सांसद और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते थे, इनका निधन हुआ है। द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक रह चुके मित्रा को 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, और पहले ये भाजपा के द्वारा चुने गए थे, बाद में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को की सदस्यता अपना ली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा। मित्रा से वैसे भी आप जान जाएंगे कि ये पश्चिम बंगाल से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहे होंगे। अगला जो प्रश्न है, इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया? तो प्रभुपाद की जयंती पर, इनकी ये भी जयंती याद रखिए, इसी समय ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 125 साल पूरे हुए हैं इस्कॉन टेम्पल जो है, तो उसके ये संस्थापक थे, उनकी जयंती मनाई गई है। 125 रुपये का सिक्का इन्होंने जारी किया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इस्कॉन टेम्पल है, जो भगवान कृष्ण की एक पूरा एक मतलब ये टेम्पल की एक सीरीज है, विदेशों में भी इनके टेम्पल हैं, कृष्ण को ये मानते हैं। इसका फुल फॉर्म भी है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, इसी को इस्कॉन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में अभय चरण डे के रूप में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बाद में सम्मानित एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिपाद द्वारा जाना जाने लगा इसको। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 में, इस्कॉन जो है ये 1966 में स्थापित हुआ था न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पे नहीं, अमेरिका में। और इस्कॉन का वैसे मुख्यालय देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है, मायापुर में। कहाँ पर? मायापुर पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल नहीं है? नया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स वाला ही बैंक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी इसमें 2 सदस्य शामिल किए गए हैं, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। 3 सदस्य शामिल किए गए हैं बेसिकली, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश नए सदस्यों के तौर पर इनको मान्यता दी गई है। और ये जो सदस्य हैं, ये अब क्योंकि इसके सदस्य बन गए तो इसकी सारी जितनी भी नीति योजनाएं होंगी उसका लाभ ले पाएंगे। मालदीव इसमें शामिल नहीं है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है, ये आप जानते हैं। और 2020 में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उसने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की थी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हमको सदस्य बनाओ, तो इन तीनों देशों को, यूएई को, उरुग्वे को और बांग्लादेश को इसमें सदस्यता दे दी गई है। एनडीबी जो है ये बैंक ऋण गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है, उनको हेल्प करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रायोजो हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक की बात की जाए तो ब्रिक्स के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 15 जुलाई 2014 को इसको स्थापित किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका मुख्यालय आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये संघाई में है। और मार्कोस प्राडो ट्रायोजो, ये नाम से आपको क्या लग रहा है, कहाँ के होंगे? ब्राजील के होंगे, जरा बताइएगा हमको कि नाम से आपको क्या लग रहा है। नाम से भी कई चीजें आप पहचाना करिए। और 15 जुलाई 2014 को इसको शुरू किया गया था। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जो प्रदान किया गया है, ये दिया गया है एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसको। ये संगठन जो है इसको प्राप्त करने में सफल रहा है। भारत सरकार का बिजली मंत्रालय के तहत ये महारत्न है, ठीक है, महारत्न कंपनी के अंतर्गत ये आता है। और एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD जिसको बोलते हैं, ये बेस्ट अवार्ड इसी को दिया गया है। पावर ग्रिड के क्षेत्र में दुनिया भर में 71 संगठनों में 8वां रैंक इसने हासिल किया है। और ऐसा पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। और शीर्ष 20 में भारत की केवल 2 कंपनियां हैं, उनमें से एक ये है, ठीक है। पावर ग्रिड की स्थापना जो हुई थी ये 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। और पावर ग्रिड का मुख्यालय गुड़गांव भारत में है, गुड़गांव में ही है। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? दिल्ली के पास, हरियाणा में बेसिकली ये पड़ता है। और एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट की बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा संघ है
जो संगठनों में प्रतिभा विकसित करने वालों को समर्पित है। और ये जो ATD का बेस्ट अवार्ड है, ये प्रतिभा विकास उद्योग की सबसे कठोर और प्रतिष्ठित अवार्ड के तौर पर या मान्यता के तौर पर इसको माना जाता है। तो इसको मिला है, यानी कि इसने कहीं ना कहीं प्रतिभा विकास के क्षेत्र में काफी काम किया है, तभी इसको दिया गया है। KYC मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए RBI ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? KYC मानदंड यानी कि नो योर कस्टमर जो मानदंड होते हैं, उनके कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अभी RBI ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना, पैसे का जुर्माना लगा दिया है। फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक में रखे गए ग्राहक खाते में जांच की गई, जहां ये पाया गया कि बैंक जो है वो KYC मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है। KYC निर्देश 2016 का पालन इसने नहीं किया है, ठीक है, तो इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, लेकिन स्थापित हुआ था अहमदाबाद में। और इसके जो CEO हैं ये अमिताभ चौधरी हैं। अमिताभ चौधरी वर्तमान में इसके CEO हैं। जब करंट में अपडेट होगा तो हम लोग इसको देख लेंगे। हाल ही में स्मृति जुबिन ईरानी ने न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कौन से पौधे लगाए? कभी कभी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न्यूट्री गार्डन का जो उद्घाटन किया गया है, इसमें सहजन और आंवला, सहजन को एक नाम से और जाना जाता है, सिगरू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिगरू। तो सहजन और आंवला दोनों ही पौधे स्मृति जुबिन ईरानी ने लगाए हैं। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में ये जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है नई दिल्ली, ये पोषण माह 2021 के उत्सव की शुरुआत यहाँ से की गई है। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। पोषण माह सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर में। इसको 4 सप्ताहों में अलग अलग थीम के तहत बांटा गया है। न्यूट्री गार्डन जो है, ये किचन गार्डन, न्यूट्री गार्डन, जो भी इसको कहें, पूरे वर्ष परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय घरों या उनके आसपास पोषक तत्वों की भरपूर फसल लगाने और उनकी कटाई के लिए एक विधि है। जैसे आप लगा दीजिए सहजन, तो इसमें आपको मिलता रहेगा, बहुत ही फाइबर वाली सब्जी आपको मिलती रहेगी। टेरेस पे आप लगा दीजिए, टेरेस गार्डनिंग करिए, वर्टिकल गार्डनिंग करिए, कंटेनर गार्डनिंग करिए, रूफटॉप गार्डनिंग करिए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के बैकयार्ड में न्यूट्री किचन को बढ़ावा, जैसे आप मेरे घर पे जाएंगे, आप मेरे गांव वाले घर पे, तो वहाँ पे पीछे इतनी जगह है कि वहाँ पे जो घर पे लोग रहते हैं तो उन लोगों ने डेवलप कर रखा है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो सब उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लगाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, घर की चार दीवारी के अंदर ताजी सब्जी मिल जाती है। और आपको मैं बताऊं कि आप कभी भी पहुंचिए, ताजी सब्जी आपको मिल जाएगी। रात 12 बजे भी आप पहुंचिए और आपको खाने का मन है तो ताजी कुछ ना कुछ तो लगा मिलेगा। भिंडी लगा मिलेगा, बैगन लगा मिलेगा, हरी मिर्च लगी है, बाकी नींबू वगैरह के पेड़ लगे हैं, और सहजन का भी पेड़ है, परवल के पेड़ लगे हुए हैं, लोबिया जो है, बीन्स जो होती है उसके पेड़ लगे हुए हैं, मतलब पौधे, और बाकी करेला वगैरह ये सब लगा रहता है, लौकी, तरोई, ये सब लगी रहती है। तो ये एक एक दो दो पेड़ होंगे तो काफी, 4-5 लोग अगर घर में हैं तो आसानी से खा पी सकते हैं, बड़ा बढ़िया रहता है ये, कभी आप अजमा के देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप GIC लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम केवल 149 रुपए का है, उसका लाभ उठाइए और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कीजिए। डेली एक टेस्ट मिल रहे हैं 1 से 15 सितंबर के बीच में, PDF सहित हम आपको देंगे, और उसको आप इतने बढ़िया से रिवाइज करेंगे आपका स्कोर बढ़ेगा। साथ में UPPCS और RO के एग्जाम के लिए भी आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नई टेस्ट सीरीज भी आगामी दिनों में लॉन्च होंगी, पुरानी जो चल रही है उसमें कोई फिक्र नहीं है, सारे आपको टेस्ट मिलते हैं सब कुछ, केवल डेट उनकी पुरानी होती है जो आपको शेड्यूल दिया जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मंथली मैगजीन का PDF टेलीग्राम पे अपलोड किया जा चुका है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और वहां से उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए आराम से। अगला जो प्रश्न है, इसका पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष M. वेंकैया नायडू हैं। ये दो स्टेटमेंट है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू, ये सही बात है। तो दूसरा कथन तो सही है, राज्यसभा महासचिव की नियुक्ति अभी M. वेंकैया नायडू जो सभापति हैं उन्होंने की है। डॉक्टर PPK रामाचार्यालु को अभी चुना गया है ये महासचिव के रूप में, राज्यसभा का महासचिव। तो राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने इनको चुना है, केवल दो सही है। और 2018 से राज्यसभा सचिवालय में ये सचिव के रूप में काम कर रहे थे, अब महासचिव बन गए हैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और उन्होंने ही चुना है, ये ध्यान रखना। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को की गई थी।
भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में संविधान जब लागू हुआ, पहले लोकसभा बाद में राज्यसभा आते हैं, लेकिन अस्थायी सदन इसी को माना जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। और राज्यसभा की जो अवधि सीमा है, जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य की अवधि सीमा ये 6 साल होती है, बाकी फिर इसमें चुने जाते रहते हैं हर छह, मतलब कितने सदस्य चुनते रहते हैं, हर 2-2 साल पे ऐसे चेंज होते रहते हैं, सदस्य नए आते रहते हैं, और कभी ये भंग नहीं की जाती। अपर जो हाउस है वो यही होता है, उच्च सदन यही होता है। यूब्रीथ लाइफ के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। यूब्रीथ लाइफ एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक यंत्र है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि इसका विकास आईआईटी रोपण, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से किया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो ये यू ब्रीथ लाइफ है, यू ब्रीथ लाइफ, तो यू ब्रीथ लाइफ का मतलब है कि जीवित पौधे आधारित वायु शोधक, जैसे अभी तक आप देख रहे हैं मशीनें लॉन्च हो रही हैं जो वायु को फिल्टर करके, एयर को फिल्टर करके आपको सांस लेने के लिए देंगी, लेकिन अब पौधे ये काम करने लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। अस्पताल, स्कूल, कार्यालय, घर, इंडोर स्थानों में ये लगा दिए जाएं, अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर जो सांस को ताजा करके आपको दे। तो ये कंपनी ने दावा किया कि वायु शोधन के लिए जिन विशिष्ट पौधों का परीक्षण किया है उसमें पीस लिली, स्नैक प्लांट, स्पाइडर प्लांट ये सब शामिल है। अब इन्हीं को डेवलप करके अंदर आप लगाइए। इंडोर प्लांट, इंडोर प्लांट बहुत सारे होते हैं जो कम सूर्य के प्रकाश में भी चल जाते हैं, डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी तब भी पानी उनको मिलता रहे, तो ये सब वायु शुद्ध करने का भी काम करेंगे। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया। अभी एक नेशनल पार्क है असम में, औरंग नेशनल पार्क, उसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। तो औरंग वहां की जनजाति है, अब गवर्नमेंट को हटाना था, उन्होंने कहा कि औरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समूह की इमोशंस से जुड़ा हुआ है, तो अब इसको हटाना जरूरी है राजीव गांधी का नाम। अब जब कांग्रेस की कभी गवर्नमेंट आएगी तो फिर जोड़ दिया जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करिए, ये सब एक ऊंची राजनीति हुआ करती है। और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित ये औरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये राज्य का, असम राज्य का सबसे पुराना वन अभयारण्य है, और 1985 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का नाम दिया गया था और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा और कि कहाँ के पार्क से नाम हटाया गया है, बाकी और भी कई जगह से नाम चेंज हो रहे हैं। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ लेना हो तो 6307281212 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, और कभी जो कोई कोर्स परचेज करें उसमें कोई दिक्कत आए तो इतना परेशान ना हो जाए कि लगने लगे कि आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं है और आप ऐसे इंसान हैं जो क्या बताएं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिंदगी में सब कुछ आपके मुताबिक रात 12 बजे नहीं हो जाता है। ऑफिस टाइम में अगर आप फोन करते हैं तो रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है, रात में 9 बजे आप फोन करेंगे 10 बजे तो मेरे लिए और मेरे स्टाफ के लिए भी और भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने फोन किया और 150 रुपये आपने पेमेंट किया है तो आप अब पूरे स्टाफ और हमको 24 घंटे के लिए एंगेज कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम लोग आपकी सर्विस के लिए, आपको हेल्प करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रात 10 बजे फोन करके बिल्कुल तुरंत परेशान हो जाएंगे, छोटा सा काम है आप कुछ नहीं कर पाते, ऐसे कई लोग करते हैं। तो ऐसे लोग अपने बेवकूफी का परिचय न दिया करें। थैंक यू सो मच।